हेलो फ्रेंड्स, स्वाति की रेसिपी में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक मीठा की रेसिपी। बहुत ही कम सामग्री से बनाइए और इतना इजी कि कोई भी बना सकता है एक बार देखने से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कप सूजी लेंगे, बारी वाला सूजी है। आपके पास मोटा हो तो थोड़ा सा पीस लीजिए। एक नॉन स्टिक की पैन लेंगे और पैन गरम हो गया है, 2 टीस्पून घी डालेंगे। घी गरम हो चुका है, अब सूजी को डाल देंगे और अच्छी तरह सूजी को भूनेंगे। इस रेसिपी में बस 2 चम्मच ही घी लगेगा और ज़्यादा नहीं। इतने में ही मिठाई बहुत अच्छे तरह बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए। मुंह में डालते ही मिठाई घुल जाएगा और साल भर तक इस मिठाई को आप लोग रख के खा सकते हैं। तो हमारा सूजी अच्छी तरह भुन गया है और थोड़ा सा भुनेंगे। अब हो गया है, इसको भूनते भूनते 10 मिनट हो गया है। सूजी को लाल नहीं करेंगे, अब इसको निकाल लेंगे। हो गया है भुना, सूजी को निकाल लिए हैं एक बाउल में। अब उसी कढ़ाई में चाशनी बनाएंगे। 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। चीनी को अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। चाशनी अच्छी तरह उबला गया है। चाशनी को एक तार वाला नहीं बनाना है, बस चिपचिपा लगे हाथ में थोड़ा सा लेने से। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हाथ में लेने से चिपचिपा लग रहा है। थोड़ा सा कलर आने के लिए 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे। अब सूजी को डाल देंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। इस मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप लोग को टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगेगा। सूजी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 5 से 6-7 मिनट पकाएंगे। सूजी को पकते पकते 5 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। अब देखिए अच्छी तरह चाशनी सूख गया है, तो गैस को बंद कर देंगे। अब इसको निकाल लेंगे। सूजी को निकाल लिए हैं और थोड़ा सा हाथ में घी लेंगे और थोड़ा सा लेकर लड्डू बनाएंगे। इसी तरह लड्डू को बना लेंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, दानेदार लड्डू बनकर तैयार हो गया है। बादाम से थोड़ा सा मिठाई को सजा लेंगे।
एक मिठाई आप लोग को तोड़ के मैं दिखाता हूँ उसका अंदर। देखिए फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट और कितना सुंदर दिख रहा है, मुंह में देते ही घुल जाएगा। सच में बहुत ही टेस्टी था।